नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दो चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। पहली बात कि यूपी पीसीएस के जो आने वाले एग्जाम है क्या वो हो पाएंगे कि नहीं। दूसरी बात, चैनल से रिलेटेड बहुत बड़े बिग अनाउंसमेंट करने हैं। पहला ये कि यूपी पीसीएस के जो अभी परीक्षा होने वाले हैं, मेंस वाला, बीओ वाला, आरओ वाला, यूपी पीसीएस 2020 प्रिंट वाला, क्या वो हो पाएगा कि नहीं। देखिए, यूपी गवर्नमेंट का अगर आप लेटेस्ट जो है पल पल की खबरें रखो तो पहले उन्होंने बोला कि भैया 14 के बाद जो है कंप्लीटली लॉकडाउन हट जाएगा। फिर उनके जो गृह सचिव ने बोला कि नहीं, अभी पूरी तरह से नहीं हट पाएगा। तो यूपी गवर्नमेंट खुद ही क्लियर नहीं है। और पूरे दुनिया भर में अगर आप देख रहे हैं जो कोविड वाले केसेस है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं यार, 14-15 लाख से ऊपर हो चुके हैं। इंडिया में भी जो है 4-5 हजार से ऊपर होने वाले हैं, बल्कि ये तो ऑफिशियल डेटा है। और कई सारे अगर आप डेटा की बात करें तो कई सारा जो है डेटा ऐसा नहीं कि सब कुछ बताया जा रहा है। खैर, ये वाली बात हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे जो भी है, मतलब स्थिति गंभीर है। इस टाइम यूपी पीसीएस आयोग जो है करा पाएगा कि नहीं, ये वाली चीज कोई नहीं बता सकता है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन चांसेस यही है कि जो है पोस्टपोन होगा, ये वाला अभी तो लग ही रहा है। एक चीज आप ये ध्यान रख लीजिए, इस वाली चीजों पे कोई किसी से डिस्कस मत करिए। कोई भी जो है, आप लोग पता नहीं क्यों लोगों पर डिपेंडेंट क्यों रहते हो यार, हर चीज पे ये बता दे वो बता दे, तुम बता दो तुम बता दो, अरे क्यों बता दे यार कोई। upps.up.nic.in साइट है, आप वहां से देख लिया करो जाके। अगर ऑफिशियल आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, ऑफिशियल नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं पता है। कोई मतलब क्या, मतलब अध्यक्ष से बड़ा है कोई, क्या यूपी के सीएम से बड़ा है कि कोई आपको ये बता देगा एग्जाम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अरे आप जब पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, बस एग्जाम होना अगर होगा तो बढ़िया है, आप पढ़ रहे हो ध्यान आ जाके, ठीक है। अगर एग्जाम नहीं होना होगा तो और बढ़िया है, और आपको जो है टाइम मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं तैयारी की है कमजोर है वो हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए प्लीज आप लोग जो है किसी से मत ऐसे पूछिए यार, आप लोग खुद ही लोगों को मौका दे रहे हो कि आपको बेवकूफ बनाया जाए। इसीलिए मैं बार बार जो है कहता हूं, सीधी बात है भैया, ऐसा है कि चाहे ब्रह्मा उतरा चाहे जो भी उतरा, जो भी है, अगर यूपी पीसीएस की ऑफिशियल साइट पे आएगा तभी मैं मानता हूं कि भैया ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ है कि बस। अगर नहीं आएगा तो हम किसी की बात नहीं मानते, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे टीचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये वाली चीज में आप यूपी पीसीएस में तैयारी करते रहो, अपना कर्म निभाते रहो। कोविड में आप लोग लॉकडाउन में बैठे हो, जो लोग वर्किंग वाले थे टाइम नहीं मिलता था, अब तो टाइम मिल रहा है ना, खूब खोल के करो यार तैयारी। क्या किसने रोका है आपको बताइए, इतना सारा जो है यूट्यूब में सोर्सेज पड़ा हुआ है, इतना सारा हमने बनाया है आपके लिए, और भी जो है लोगों ने बनाया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना सारा कुछ तो आपके पास पड़ा है, बुक्स है आपके पास, जो भी चीजें आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है यार। सिलेबस देखो, पढ़ो आराम से, मेरा से पढ़ना है तो मेरे से पढ़ो, अगर किसी और का समझ में वहां से पढ़ो, पढ़ो तो लगातार। चलो, ये वाली बात यहीं से खत्म होती है। अब लेटेस्ट बात करते हैं चैनल के रिलेटेड, बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है ये। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ऐसा नहीं कि एक बंदा उठा सो के और उसने बना दिया कि भैया भूगोल का पापा वीडियो है, उठा जो है मैं उठा और मैंने तुरंत जो है चालू किया और बना दिया। उसमें पूरी टीम लगती है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट होता है जितना भी, उसमें पूरी टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारी जो बैकएंड टीम काम करती है, जो कभी पिक्चर में नहीं आ पाती है, पिक्चर में कौन रहता है, मैं रहता हूं, अजीत रहते हैं, एसके त्रिपाठी रहते हैं, विकास रहते हैं, या फिर कुछ और हमारे जो एडुकेटर्स हैं अभी नए नए आ रहे हैं वो लोग रहते हैं, लेकिन पीछे भी एक काम करती है टीम। उसमें सूरज है, विवेक है, अजय है, बहुत सारे लोग काम करते हैं एक साथ, ठीक है। कई लोग जो है लगातार काम करते हैं आपके लिए, टाइपिंग करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, लगातार काम करते हैं आपके लिए, तब जाके जो है आपके एडुकेटर के पास नोट्स आते हैं, तब जाके वो बनाते हैं, फिर उसमें मैं इन्वॉल्व होता हूं कि किस तरह से जो है इसको बताना है स्टूडेंट को, कैसे जो स्टूडेंट को समझ में आएगा, क्या चीज जो है स्टूडेंट की नब्ज है, कैसे उसको समझाना है। कोई एडुकेटर है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एडुकेटर है यूट्यूब में, मुझे पता है, लेकिन मुझे वो चाहिए कि कोई जो हमारे स्टूडेंट है उनकी डिमांड को पूरा कर सके, बस यही वाली चीज बस मैं देखता हूं। इसीलिए बहुत सारा टाइम लगता है, फिर वीडियो को पार्ट वाइज बनाया जाता है, फिर उसको मर्ज करने में 5-5 दिन लग जाते हैं। भैया जी ऐसा नहीं आता है, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कई कॉलिंग वाले लोग इन्वॉल्व हैं, शशांक इन्वॉल्व है, आकाश इन्वॉल्व है, बहुत सारी टीम है, ठीक है। तो ये सब लोग आपके लिए एक एफर्ट करके लाते हैं कोई भी प्रोडक्ट, फिर उसमें जो है आप लोगों को, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर रखा है, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस, पहली बार मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये लोगों का चैनल है, लोगों ने बनाया है इसको, आप ही लोगों ने बनाया है, आप ही लोग जो है इसको आगे ले जाओगे, बस मैं सिर्फ इसको चलाता हूं। कई बार लोगों को जो है मेरे चलाने से दिक्कत होती है कई बार, लेकिन मैं क्या करूं, जो चीज है नेचर तो नहीं बदला जा सकता है, जो एक बार कमिटमेंट हो गया वो हो गया,
अब अभी जैसे कुछ कई बार लोगों ने जो है सजेशन भी देते हैं, फीडबैक भी देते हैं, कोशिश करता हूं कि मैं मानूं, कई बार जो है थोड़ा बहुत मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अभी कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं बड़े। पहली बात तो ये कि अब जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे आगे, जैसे टेस्ट सीरीज वाले जो है प्रोजेक्ट, उसमें हम यही कोशिश करेंगे कि जो हिंदी वाला है, मतलब हिंदी में लिखा हुआ पूरा, इसको हिंदी में समझाया हुआ, वो अलग करेंगे उसी के उसी सेम चीज का वीडियो, और उसी का इंग्लिश में लिखा हुआ और इंग्लिश में समझाया हुआ अलग। अभी तक जो है बाइलिंगुअल हम देते थे टेस्ट सीरीज, ठीक है, आधा इधर इंग्लिश आधा इधर हिंदी, अब इसको दो पार्ट में बनाया करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि एक में पूरा हिंदी में लिखा हुआ और पूरा समझाया हुआ, और दूसरे में इंग्लिश में लिखा हुआ उसको समझाया हुआ। क्या ये सुझाव ठीक है? इसमें हालांकि हमको डबल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन कई लोगों ने बार बार बोला है, यार आप लोगों ने बोला कैसे इसको मना कर दें, इसीलिए एक चीज ये है। पहला चीज तो ये है कि एक मेजर चेंज होने जा रहा है आगे से लिए। दूसरी चीज, करंट अफेयर में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। करंट अफेयर में अब हम मंथली जो है एक वन लाइनर का वीडियो आपको देंगे, मतलब वन डे एग्जाम्स के लिए, आरआरबी, एसएससी, वन डे एग्जाम्स, पीसीएस एग्जाम, उसमें क्या है आपको हर मंथ का एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक टॉपिक वाइज मिलेगा कि स्पोर्ट्स के क्या करंट अफेयर है, अवार्ड के क्या है, जो है आपको जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज कौन सी हुई है, पर्सन इन न्यूज कौन से रहे, ऑबिट्यूरी कौन सी हुई है, नेशनल न्यूज कौन सी है, इंटरनेशनल न्यूज कौन सी है, ये सब टॉपिक वाइज रहेंगे। और उसी के मंथ भर के करीबन 150-200 क्वेश्चन होंगे पूरे कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब अगर आपने वो पूरा वीडियो देख लिया, पूरा जो है करंट अफेयर चबा के जाओगे आप बिल्कुल, ठीक है। ये तो हो गया वनडे एग्जाम प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा दूसरा हमने क्या इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि एक वीडियो इसी में हम आगे बनाया करेंगे डिस्क्रिप्टिव, वो करीबन 5-6 घंटे का होगा, उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, योजना कुरुक्षेत्र, इतनी अभी तक हम कवर कर पाएंगे। ये चीजों को एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे, पर करीबन 5-6 घंटे का वीडियो रहेगा वो, ठीक। तो ये वाला वीडियो रहेगा यूपीएससी और मेंस एग्जाम जो यूपी पीसीएस का होता है जितना, अगर ये दोनों मर्ज करके आप देख लो तो आईएएस पीसीएस के लिए कंप्लीट जो है करंट अफेयर का पापा वीडियो रहेगा हर महीने का, आईएएस पीसीएस एग्जाम प्री मेंस दोनों के लिए। क्या ये सही है? बहुत मेहनत लगेगा, हालांकि अभी हम आपको जून से लेके जनवरी तक का जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर दे रहे हैं, आपने देखा होगा जो प्रत्यक्ष जी दे रहे हैं, कई सारे हमारे और भी योद्धा हैं जो अलग अलग फ्रंट पे काम करते रहते हैं, जो पीएसआईआर वाली मैडम है, अमन पबर्ड वाली मैडम है, ज्योति, कई लोगों ने अलग अलग काम किया, हिंदी वाली मैडम है प्रत्याशी मैडम, अजीत हमारे साथ हमेशा रहते हैं, कई लोग अलग अलग फ्रंट पे काम करते रहते हैं, कमला जो है लगातार जो है काम करते हैं आपके लिए ओनली करंट अफेयर में, बड़ी टीम है ये, ठीक है। और आजकल जो है जैसे अब ये वाली चीजें आ रही है, हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट है कि क्वालिटी को इंप्रूव कैसे करें, बस सिर्फ हम वो वाला कंटेंट देना चाहते हैं जिससे आपका सिलेक्शन होता जाए लगातार, ठीक है। अब आपको देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे कि हम आपसे फिर भी कोई जो है किसी भी तरह का कोई खैरात जो है कोई भी जो है दान दक्षिणा ये सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई डोनेशन डोनेशन में मैं नहीं मांगता हूं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो हमारे कोर्सेज आपके लिए आते हैं गरीब लोगों के बच्चों के लिए, आप उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए। जितने भी कोर्सेज हैं, वीडियोस जितने भी हैं, मैं फिर से बता दूं, कंप्लीटली फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे आगे भी, ठीक है। लेकिन पीडीएफ जो है उसको मिनिमल चार्जेस होते हैं, हमारे कई सारे पेड ग्रुप चलते रहते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सके और नए नए एडुकेटर को ला सके, क्योंकि हमारे पास कोई फंडिंग तो है नहीं कि हमको फंडिंग मिल गई, 3800 करोड़ रुपए मिल गया, 4000 करोड़ रुपए मिल गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए पेड ग्रुप में जो भी पैसे आते हैं, अगर 100 रुपए आए तो उसमें से 18 रुपए लेती है सरकार जीएसटी, उसमें 60-70 रुपए जो है मैं देता हूं ये सब इन्वेस्टमेंट में, वो आप ही के जो है उसी में लगातार जो नए नए प्रोजेक्ट ला रहा हूं मैं ना, नया नया अभी जैसे टॉप 500 आ रहा है एंशियंट का पूरा हिस्ट्री, जितनी भी बुक्स सब का तोड़ है उसमें, हिंदी का अलग आएगा, इंग्लिश का अलग आएगा, मीडिवल की पूरी हिस्ट्री, सतीश चंद्रा प्लस एस के पांडे हिंदी का अलग इंग्लिश का अलग, मॉडर्न का स्पेक्ट्रम आ चुका है हिंदी का अलग इंग्लिश का अलग, ठीक है। बाइलिंगुअल वाले आ चुके हैं ये वाले प्रोजेक्ट आपको, अभी एनसीईआरटी इकोनॉमिक आने वाला है आपको पापा वीडियो, ठीक है, प्लस एनसीईआरटी हिस्ट्री का आने वाला है, एनसीईआरटी पॉलिटी का आने वाला है, इस सारी चीजों पर लगातार काम करते हैं हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कई लोग का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, प्लीज गुस्सा मत होइएगा, ये तो हमारी बैकहेंड पूरी टीम हो गई। इसके अलावा जो हमारे साथ सामने वाले जो लोग हैं, आप लोग जो हमको सपोर्ट करते हो हर समय, तो ये लोग भी हैं, बस हमारा साथ लगातार बनाए रखिएगा, बस लगातार देखिए। कई बार जो होता है, कई बार आपकी वैसे तो हमारे वीडियो सारे फ्री हैं, लेकिन उसमें भी आप हमारी फैमिली हो और आप हमको हमेशा जो है हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं हर समय, इसीलिए सारी चीजें हम जबकि फ्री वीडियो देते हैं फिर भी
हम आपकी राय, सजेशंस, फीडबैक मांगते रहते हैं। कोई भी जो है, कभी अगर कोई गलती हो गई हो उसके लिए हम आगे बाकायदा सॉरी बोलते हैं कि भैया ये फैक्ट गलत हो गया, इसको सही कर लो। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं, ये वाले मैंने कुछ सुझाव आपसे पूछे हैं। अगर आपको लगे अच्छा तो इसमें बताइएगा कि क्या ये मैं सही करने जा रहा हूं। टेस्ट सीरीज को हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, जो क्वेश्चन है उसको हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, प्लस और भी जितने भी जो है इनिशिएटिव नए नए लेने जा रहे हैं, सारा मतलब कुल मिला के जीएस का हम बिल्कुल कच्चा चिट्टा है खोल के रख देंगे आपके लिए सब कुछ बिल्कुल। इससे जो है आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अच्छी कोई ये सब जो सब्जेक्ट वाइज है वीडियोस की क्वालिटी अगर बना के दिखा दे तो बताइएगा आप मुझे। सारे बेस्ट एडवोकेटर जो है लाता हूं मैं, कई बार ऐसा होता है इसीलिए कई लोगों से मेरी जो है इंटरव्यू के लिए बात होती रहती है। मुझे लोगों को मतलब जो है, अब अगर वो बोलते हैं कई सारे टैलेंटेड लोग भी हैं लेकिन मैं नहीं ले पाता हूं, क्योंकि मुझे ये भी देखना है ना कि स्टूडेंट की डिमांड पूरी हो रही कि नहीं। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको बतानी थी। लगातार आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, बस इतनी ही आपसे आशा है। और अगर आपको जो है कंप्लीट किसी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है वन स्टॉप डेस्क, तो हमारे कई सारे पेड ग्रुप हैं, यूपी पीसीएस के लिए भी चलते हैं, 2020 के लिए भी चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, यूपीएससी के लिए भी चल रहे हैं जो है 2020 का क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है, बीपीएससी का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, बीओ का भी चल रहा है, आरओ का भी चल रहा है, मेंस का भी चल रहा है, आंसर राइटिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है। 9696066089 8564880530, बस यही दोनों हमारे ऑफिशियल नंबर है। जो भी आपका कमेंट डिसीजन सजेशन हो प्लीज जरूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू भैया जी बहनी जी।